खत्म होगा अब राजस्थान में गुंडा राज, खत्म हो जाएंगे सारे गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोत्रा, नहीं बचेंगे ऐसे गैंगस्टर। राजस्थान सरकार ने लिया बड़ा स्टैंड। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकाश त्रिवेदी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने अब बड़ा खेला खेलना शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार चुनाव से पहले गैंगस्टरों को लेकर, अपराधियों को लेकर अब बड़ा दाव चलने वाली है। गहलोत सरकार का कहना है कि अब राजस्थान से अपराध खत्म हो जाएगा, राजस्थान से अपराधियों की गिनती हम खत्म कर देंगे। दर्शकों, आपको बता दें, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तमाम गैंगस्टर, अतीक अहमद से लेकर तमाम जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर थे, जो अपराधी थे, उनको एनकाउंटर में मार दिया गया था, उनका एनकाउंटर हो गया था, इसी तरह अब राजस्थान सरकार भी बड़े खेल खेल रही है। राजस्थान सरकार का कहना है कि अब राजस्थान में हम गैंगस्टरों को हटा देंगे। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोधरा जैसे जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, जो कि नामची हैं, लोग उनको जानते हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस उनको सपोर्ट करती है, ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसे गैंगस्टरों को लगाव रखते हैं। लेकिन अब गहलोत सरकार और राजस्थान के तमाम नेताओं ने एक एक्ट पास करवाने की बात कही है। उनका कहना है कि अब माकोका एक्ट के तहत ये सारे अपराधियों को हम खत्म कर देंगे। आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने इस एक्ट के तहत एक मुहिम बनाई है, जिसमें वो जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी अपराधी हैं, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी। जब भी ऐसी कोई कांड होगा, तो पहले उनकी जायदाद को जब्त किया जाएगा, जो कि आम लोगों के काम में आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि गहलोत सरकार अब इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है गर्माती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच में एक रिपोर्ट सामने आती है, क्या कुछ है वो एक्ट, क्या कुछ कहा गहलोत सरकार ने, आप खुद ही सुनिए ज़रा। राजस्थान सरकार अब लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोधरा जैसे गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। गैंग बनाकर अपराध करने वाले गैंगस्टर और उनके गुर्गों के खिलाफ राजस्थान सरकार अब विधानसभा में कड़ा कानून पास करवाने जा रही है। माकोका के तहत अब ये काम होगा। आपको बता दें, माकोका मतलब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट की तर्ज पर विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान गठित अपराध नियंत्रक विधेयक यानी राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट पारित करवाया जाएगा। राकोका के प्रावधानों के अनुसार गैंग बनाकर अपराध करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त होगी, इसे सरकार अपने कब्जे में लेगी। गैंगस्टर की प्रॉपर्टी या पैसा अपने कब्जे में रखने वालों को भी सजा होगी। गिरोह बनाकर फिरौती वसूलने वाले, पैसे के लिए धमकाने वालों और राकोका के दायरे में लिया जाएगा। राकोका के केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट होगा। DSP स्तर पर अफसर की राकोका से केस दर्ज करेगा। जिस अपराधियों के खिलाफ पिछले 10 साल में एक से ज़्यादा चार्जशीट पेश की गई और कोर्ट में उस पर संज्ञान लिया, ऐसे अपराधियों को राकोका के दायरे में लिया जाएगा। इस केस में लंबे समय तक जमानत नहीं होगी। वहीं गैंग बनाकर किए जाने वाले अपराध पर कानून लागू होगा। अपराध करने वाली गैंग के हर मेंबर के खिलाफ राकोका के प्रावधानों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर दो या दो से ज़्यादा अपराधियों से मिलकर किसी की फिरौती की, धमकाया, पैसा वसूली की, तो इसे राकोका के तहत संगठित क्राइम बनाकर कार्रवाई होगी। ऐसा करने वालों की प्रॉपर्टी और पैसा जब्त किया जाएगा। क्राइम करने वालों, गैंग के किसी भी मेंबर को शरण देने वाले के खिलाफ नए बिल में कड़ी कार्रवाई के प्रावधान हैं। गैंग बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों को शरण देने वालों को कम से कम 5 साल की सजा होगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाना पड़ेगा और उनको ये जुर्माना भरना भी पड़ेगा। शरण देने और उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। वहीं आपराधिक गैंग बनाकर अवैध वसूली, फिरौती, तस्करी सहित किसी भी अवैध तरीके से पैसा और प्रॉपर्टी बनाने के काम से कम 3 साल की सजा होगी या सजा उम्र कैद हो सकती है। इसे तरह से प्रॉपर्टी को जब्त करने पर नीलाम की जाएगी। तो सुना आपने, तो ये रिपोर्ट सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि राजस्थान अब सुरक्षित होने वाला है। राजस्थान से तमाम जो है बड़े बड़े गैंगस्टरों का खात्मा होने वाला है। इन सब के बीच में आपका क्या कहना है कि राजस्थान सरकार अब जो काम कर रही है वो बहुत सही है? क्या ये भी चुनाव का एक दाव है, क्योंकि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता ऐसे बयान दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार भी इसका पक्ष तो नहीं ले रहे? क्या इसी बहाने वो गैंगस्टर वाली बात बोलकर चुनाव जीतने का जो है एजेंडा तो नहीं बना रहे? आपकी राय जो भी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।